वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दिस इज अ पतंजलि एलोवेरा जेल। मैं आप लोग पतंजलि एलोवेरा जेल के 5 यूजेज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपके बेसिक लाइफ में, डेली लाइफ में आपको रेगुलरली करने चाहिए। ग्रीन कलर जो है इसमें एडेड है, उसमें थोड़ी सी फ्रेग्रेंस भी है, बट मुझे ये अच्छा लगता है। अगर आप ये फ्रेग्रेंस फ्री वाला यूज़ करना चाहते हैं तो आप वाओ का भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। तो या गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब, और साथ ही साथ उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना है, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला इसका जो यूज़ है वो है आपका फेशियल मसाजर। जो एलोवेरा जेल है आपका, एज अ फेशियल मसाजर भी ये वर्क करता है। आपको सिर्फ 2 to 3 ड्रॉप्स इसकी लेनी है, लाइक दिस। सो मैंने यहाँ पे 2 ड्रॉप लिए हैं, एंड आपको फिंगर्स में लेना है, एंड देन जेंटली मसाज इट इन योर फेस। आपको क्या करना है, इसको अपने फेस पे मसाज करनी है एज अ फेशियल मसाजर। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब फेशियल कराते हैं तो वो जेल से आपका जो है स्किन को मसाज करते हैं, उससे क्या होता है आपकी स्किन में ना जेंटली एक ग्लो आ जाता है। तो वो आपको बिना फेशियल कराए आपको घर पे मिल सकता है इस पतंजलि जेल के यूज़ से। सो आपको डेली क्या करना है, बिफोर गो टू बेड, मतलब आपको सोने से पहले रात को क्या करना है, इसको अपने आपको क्या करना है, इसको लेना है और आपको ऐसे फेस पे इसको एज अ फेशियल मसाजर आपको यूज़ करना है, या जिस टाइम आप कंफर्टेबल हैं आप उस टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो जो सेकंड यूज़ है पतंजलि एलोवेरा जेल का, वो ये है कि हमारे स्किन पे जो है पिंपल्स आ जाते हैं। अब पिंपल्स, जब भी हमें कहीं जाना हो ना, सबसे पहले जब भी हमें किसी फंक्शन में जाना है या घूमने जाना है, तो हम पहले ही रेडी ना हो बट हमारे पिंपल्स पहले रेडी हो जाते हैं, आ जाते हैं बाहर बिन बुलाए आ जाते हैं। तो उसको हमें रिड्यूस करने के लिए क्या करना है, पिंपल बाहर ना आए उसके लिए हमें क्या करना है, इस एलोवेरा जेल का यूज़ करना है। जहाँ जहाँ आपके पिंपल्स हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है, रात को एलोवेरा जेल लेना है, वहाँ अपने पिंपल्स के ऊपर लगाना है और सो जाना है, मतलब पूरी नाइट उसको ऐसे ही छोड़ के। लाइक मेरे यहाँ पे पिंपल है तो मैं पिंपल के ऊपर इसे लगा दूँगी इस तरह से। एंड अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको लगा के सो जाना है। तो ये आपका सेकेंड है कि इससे क्या होगा गाइस, आपके जो पिम्पल्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे आपके पिम्पल्स। तो आपके पिंपल्स रिड्यूस करने में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अब आते हैं थर्ड यूज़ पे। थर्ड यूज़ आपका क्या है, थर्ड यूज़ आपका ये है, जो भी आप रात को क्रीम लगा के सोते हैं उसमें आपको इसकी 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड करनी है। मैं लगाती हूँ जॉनसन्स बेबी क्रीम लगाती हूँ, तो मैं उसमें क्या करती हूँ, इसके 2 से 3 बूंद जो है ऐड कर लेती हूँ। एंड उसको जैसे आप मतलब क्रीम लगाते हैं उसी में मिक्स करके उसको अप्लाई कर लीजिए अपनी स्किन पे अपने। सो बहुत ही सिंपल है ये थर्ड यूज़ भी। सो अब हम बैठ, तो फोर्थ यूज़ जो एलोवेरा जेल का है वो ये है, अब अगर आप फेस मास्क वगैरह यूज़ करते हैं, फेस पैक्स यूज़ करते हैं, तो उस पर भी अगेन आपको क्या करना है, जैसे क्रीम में आपने 2 से 3 बूंद मिलाई थी वैसे ही अब आपको फेस पैक में भी इसके 2 से 3 बूंद मिलाने हैं और उसको अप्लाई कर लेना है। जो भी आप फेस पैक यूज़ करते हैं उसमें आप इसको 2 से 3 बूंद ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको हार्श नहीं करेगा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं देगा। लाइक मैं यूज़ करती हूँ बेसन और हल्दी का पैक, तो उसमें क्या करना है आपको, लाइक अगर आप रोज़ वाटर के साथ उसे बनाते हैं तो रोज़ वाटर के साथ बनाइए, और साथ ही साथ 2-3 बूंद एलोवेरा जेल के आप उसमें डाल लें। अगर आप पानी के साथ उसको बनाते हैं तो क्या करना है, अगेन कुछ भी नहीं करना है, बेसन लेना है, हल्दी लेनी है, पानी डालना है और क्या करना है, उसमें 2 से 3 बूंद एलोवेरा जेल की डाल लेनी है, बस मिक्स करना है और अपने फेस पर लगा लेना है। तो फिफ्थ जो यूज़ है वो सेम है, जैसे आप फेस का मास्क अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, वैसे ही जो आपका हेयर मास्क होता है उसमें भी आप इसको अगेन 2 to 3 बूंद मिला सकते हैं वैसे ही। एंड देन आपको क्या करना है, अपने हेयर्स पे उस मास्क को अप्लाई कर लेना है आप, है ना। तो इससे क्या होता है, जब आप इसको अपने मतलब हेयर मास्क में यूज़ करेंगे तो ये जो है आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा, मतलब कम करेगा, आप
के जो अगर ड्राई स्कैल्प है तो उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसको आप अपने हेयर मास्क में भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बस आपको क्या करना है, जो भी आप हेयर मास्क यूज़ करते हैं उसमें आपको इसकी 2 to 3 ड्रॉप मिलानी है, एंड देन आपको इस हेयर मास्क को अपने हेयर्स में अप्लाई कर लेना है। सो ये थे आपके 5 यूज।